टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपने तरह से घी निकालने का तरीका कि मैं किस तरीके से घी निकालती हूँ, उसमें क्या रहता है कि सारा सामान यूज़ हो जाता है। मैं उसका दही भी इतना अच्छा बनाती हूँ, पहले दूध निकाल लेती हूँ मक्खन, फिर इसके बाद मैं दही बनाती हूँ। तो वो सब कुछ आप देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं घर में मलाई से घी कैसे निकालती हूँ और उसकी एक एक चीज़ का अच्छे से यूज़ भी करती हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा घी निकला हुआ है, एकदम पीले रंग का है। इसमें कोई भी कलर नहीं है, हल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने ये देखिए कितना अच्छी तरह से घी निकाला हुआ है। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा और देखिए मैं किस तरीके से मलाई से जो घी निकालती हूँ हर एक चीज़ का यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये 2 कटोरी की मलाई थी, इसको मैं डीप फ्रीजर में रखती हूँ। मेरा डबल डोर का फ्रिज है जिसमें कि ऊपर फ्रीजर काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसी में ये स्टोर करती जाती हूँ। तो ये मेरी लगभग मलाई 20-25 दिन की हो गई, लेकिन क्योंकि मैं डीप फ्रीजर में रखती हूँ तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि कुछ मलाई डालती हूँ, पर मलाई को मिक्सर में, मैं ज़्यादातर मलाई मिक्सर से ही निकालती हूँ। तो मलाई को खाली तो मैं नहीं ब्लेंड कर सकती, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में लगभग मैं छोटी सी एक गिलास पानी डालती हूँ, फिर उसी को ही दूसरे राउंड में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस मुश्किल से एक गिलास ही पानी पड़ता है और इसी को ही मैं टर्न बाय टर्न निकालती जाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ऐसे पलट लेती हूँ मैं, और फिर क्योंकि ये पूरी मलाई होती है तो ये दूध ही गाढ़ा सा बनता जाता है, तो सारा मैं मक्खन ऐसे निकालती जाती हूँ। और फिर यही जो दूध निकलता है ना, इसी को ही फिर से मैं जो यूज़ करती हूँ निकालने के लिए, जिससे कि बहुत सारा पतला दूध ना इकट्ठा हो। तो मेरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा दूध मलाई का इकट्ठा हो जाता है। तो ये देखिए मैं पूरा जब निकाल लूँगी ना, तो इसी दूध का ही मैं बहुत ही अच्छा सा दही बनाऊँगी। तो देखिएगा, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। उसमें पनीर जैसे काटते हैं ना, ऐसा मेरा पीस वाला दही बनता है एकदम से, कि जो एकदम से गाढ़ा सा होता है। और देखिए मैं किस किस तरह से कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये फर्स्ट बैच है मेरा, इतना मक्खन निकला। इसी तरीके से मेरे 3-4 बैच और निकले थे, फिर मेरा काफ़ी सारा मक्खन इसमें इकट्ठा हो गया था। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा उछाल उछाल के इसका सारा पानी निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरे राउंड का है, सेकंड राउंड का। अब इसी दूध को ही मैं जार में डालूँगी और फिर उसमें और मलाई डाल डाल करके इसी दूध का यूज़ करके मैं निकालूँगी। तो ये देखिए मैं जार में डालते जा रही हूँ थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए, फिर बाकी मैंने कैमरे को रख के ही किया था, बीच बीच में क्लिप सी ली थी। तो ये देखिए उसी दूध को यूज़ करते हुए मैं निकाल रही हूँ मलाई। तो ये इतना सा और मेरा दूध हो गया, इसमें इकट्ठा हो गया है। और इसी तरीके से बारी बारी से करके मैं सारा मक्खन निकाल लूँगी। तो आपको बताया ना मैंने कि थोड़े थोड़े से क्लिप्स ही लिए हैं, तब भी ये मेरा वीडियो लगभग 9-10 मिनट का बन गया, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताना चाह रही थी कि जिससे आप लोग भी इस तरह से निकालना चाहें। तो ये देखिए, एक बाउल भर के तो दूध निकल आया और ये सारा जार हो गया। तो जो मैंने लास्ट में फिर से थोड़ा सा आधा कप पानी लिया और दूसरे वाले बाउल में डाल के, चिकना क्योंकि बर्तन सारा होता है, तो इसमें मैं इसको गर्म कर लूँगी और फिर इससे मैं सभी बर्तनों की चिकनाहट गर्म पानी से छुड़ा दूँगी और इसको मैं वेस्टेज नहीं जाने दूँगी। ये देखिए, दोनों बाउल, चम्मच सब मैंने इसी गर्म पानी से साफ़ कर लिया और ये भगोने में मैंने वही दूध डाल दिया। मेरा छोटा सा पतीला है जिसमें कि मैंने उसी दूध को डाल दिया और ये जो गर्म पानी था इसको मैं जार में डाल करके और कस के गर्म पानी को चला दूंगी, तो जिससे क्या होता है कि सारा उसका निकल जाता है। पर मैंने मिक्सर में रख के नहीं चलाया फ्रेंड्स, ऐसे ही होल पे उंगली लगा के मैंने उसको रख लिया है। ये देखिए, इसमें बाउल अब गैस पे रख दूंगी और इसको, दूध को मुझे सिर्फ उतना ही गर्म करना है कि मैं उसमें उंगली डाल के देखूँ, मेरे को उंगली से बर्दाश्त हो जाए। ये देखिए, जार में मैंने ये गर्म पानी डाला, वही जो वाइट हो गया था, क्योंकि वो सारा, ये देखिए जार एकदम क्लीन हो गया है। अब मैं इसको मांज लूँगी, सारी चिकनाहट निकल गई और उस दूध वाले पानी को मैंने इसमें डाल दिया भगोने में। ये देखिए, मैं उंगली से देख रही हूँ कि बस उतना ही मुझे गर्म करना है कि जिससे उंगली से मैं बर्दाश्त कर सकूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ दूध ही होता है। मलाई हम बॉयल दूध की निकालते हैं और फिर वो
रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे कि वो आराम से मलाई जम जाती है, फ्रिज में हम निकाल लेते हैं। तो ये बॉइल्ड दूध ही होता है, तो इसको हमें दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, मैं फ्रेश दूध का एक दही जमा रही हूँ और एक दूसरा मैंने ये मलाई वाले दूध का जमाया हुआ है। तो मलाई वाला दूध वैसे मैं मोस्टली दही की सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर लेती हूँ, पर इसका फ्रेंड इतना अच्छा टेस्ट होता है कि आप यकीन मानिए, इस दही को आप खा के देखिएगा, इसका मट्ठा बना के पीजिएगा, आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने मलाई से निकाला है। अगर आप वैसे यूज़ करते हैं ना, तो उसमें मलाई की थोड़ी सी स्मेल खटास की आ जाती है, और हम उस दही का कोई भी चीज़ में यूज़ करते हैं मट्ठे का, तो उसका टेस्ट अलग लगता है। ऐसे आप घी भी गर्म करेंगे तो जिसको घी में इरिटेशन होती है ना कि महक आती है, तो वो भी नहीं लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे आप दूध बॉयल कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने घी गर्म किया, घी गर्म करने में मुझे लगभग कुछ नहीं तो आधा पौना घंटा लगा था, पर मैंने इसके कुछ ही क्लिप्स लिए हुए हैं। तो ये देखिए, हमारा घी गरम हो रहा है कढ़ाई में, इधर मैंने कढ़ाई में घी गरम करने रख दिया, और फिर साथ ही साथ उसी टाइम पर ही मैंने भगोने में दूध को रखा और वहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल चम्मच से टिप में, आगे की टिप पॉइंट में थोड़ा सा दही लेकर के, और मैंने दही जमा दिया था। वो मैं क्लिप में दही जमाने का नहीं ले पाई थी, बट हाँ, दही मैंने दिखाया है कि जम के कैसा तैयार हुआ है। तो उंगली से मैंने आपको दिखाई दिया था कि दूध को सिर्फ उतना ही गर्म करना है जो कि हम उंगली से बर्दाश्त कर सकें, उससे ज़्यादा दूध को हमें नहीं गर्म करना है। ये देखिए, दूध कितना येलो सा है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है। ये फ्रेंड्स, आपको मैं इसी लिए सामने दिखा रही हूँ कि ये देखिए, कढ़ाई में घी बॉयल हो रहा है और आपको दिख रहा है कि कितना पीला घी है, जबकि ये मुझे बीच बीच में ही गाय का दूध आता है, मोस्टली भैंस का ही दूध आता है। यहीं सामने एक डेयरी है जिसमें कि पैकेट वाला मैं दूध नहीं लेती हूँ, खुला दूध आता है, पॉलीथीन में पैक करके वो देते हैं भाई, उनके पास शायद कहीं से आता होगा भैंस का या और गाय का, तो वही दूध ये रहता है। तो देखिए, इसमें कितना अच्छे से बॉयल हो रहा है, तो बने रहिए और देखते रहिए, और फिर लास्ट में आप दही देखिएगा। दही तो इतना अच्छा बनता है कि जैसे दही जमाने की प्रोसेस में दही दिखाते हैं ना, वो तो मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा बाद में डला है और मैंने दही को यूज़ भी किया हुआ है, बहुत ही अच्छा दही जमा हुआ था, और बाय टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें कुछ भी पता ही नहीं चलता है। तो चलिए, बस ये घी पक जाएगा, फिर इसको घी को मैं एक कोई स्टील के बर्तन में छान लूँगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट मैं कांच में नहीं डालूंगी, क्योंकि कांच में डालने से कांच चिटक जाता है, और इसको मैं थोड़ा सा जैसे ही हल्का पिंक जैसा होगा फिर मैं इसको बंद कर दूंगी गैस। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस बंद कर दी है, और अब मैं इसको स्टील का, ये मेरा फ्राई पैन है जिसमें मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, तो उसी में ही घी को छान लूँगी। मेरा लगभग एक लीटर के करीब घी तैयार हुआ था, शायद थोड़ा सा कम होगा एक लीटर में से, मैं एक आइडिया से रेशियो बता रही हूँ कि लगभग एक लीटर तैयार हुआ होगा। ये देखिए, कांच का जार है, इसी में ही मैं बाद में ठंडा होने के बाद रख रही हूँ। तो लगभग जो गोवर्धन का डब्बा आता है ना एक लीटर का, लगभग वैसा ही मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 कम ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं है। तो ये देखिए, जार बन करके पूरा रेडी हो गया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम येलो कलर का घी, देख के मन खुश हो जाता है कि कितना अच्छा सा घी तैयार हो गया। घर का शुद्ध घी है, प्योर है, और बाहर से तो हम लेकर आते हैं तो कितनी ही मिलावट होती है, कहीं कुछ होता है, इसीलिए मैंने आपको डीपली दिखाया। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपके सामने ये दही आ रहा है जो कि मैंने जमाया हुआ था, ये उसी दूध का दही है फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी दिखाया था बाउल में, ये यही भगोना था ना, ये भी नहीं कि मैं कोई चेंज कर दूँगी। ये देखिए, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ी के पीसेस नहीं होते, वैसा लग रहा है, बहुत अच्छा दही लगता है इसका, आप देखिएगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कैसा बनता है। तो फिर देखिएगा आपको कैसा लगा मेरा घी निकालने का तरीका, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरीके से निकालिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।